माधव नगर क्षेत्र के अमीरगंज बस्ती में रहने वाले दिव्यांग शिवानी को शिक्षक अधिकार मिला है। दरअसल दिव्यांग शिवानी का रॉबर्ट लाइन स्कूल में कलेक्टर ने एडमिशन स्वयं कराया था, लेकिन शिवानी से विकलांग होने के कारण स्कूल जाने में असमर्थ थी। जब इस मामले की जानकारी कलेक्टर अभी प्रसाद को लगी तो उन्होंने दिव्यांग शिवानी को पढ़ने लिखने के लिए टेबल कुर्सी और किताबें उपलब्ध कराई गई और घर जाकर शिक्षक शिवानी को पढ़ाने की व्यवस्था करवा कर ये सुनिश्चित किया कि शिवानी साक्षर बने। कलेक्टर साहब आए थे, उसके बाद मैडम आने लगी पढ़ाने, अच्छे से पढ़ने बनने लगा है। शिवानी नाम है लड़की का, अमीरगंज में हम लोग रहते हैं। कितने दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे? एक महीने पहले। जो है एक अस्थि बाधित बच्ची है, दिव्यांग बच्ची है, जो अपनी दिव्यांगता के कारण स्कूल नहीं जा पा रही थी। वो रॉबर्ट लाइन स्कूल में उसका दाखिला तो हुआ था, लेकिन जब जनवरी माह के अंत में मैं उसके घर गया तो ये पता चला कि वो बिल्कुल भी पढ़ लिख नहीं पाती है। तब तत्काल जो MRC हैं, जिनका काम है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए सहायता देना, उनको निर्देशित किया गया था कि वो शिवानी की शिक्षा के प्रति ध्यान दें। ये सफलता ज़रूर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक चुनौती है कि हमारे ज़िले में शिवानी जैसे 3,000 बच्चे हैं जिनको शिक्षा देने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन इस हर एक बच्चे को अनमोल मानते हुए इनके लिए व्यक्तिगत प्लान बना रहा है, और मैं इस अवसर पर कटनी की जनता, यहाँ के समाज सेवियों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो जो प्रशासन प्रयास कर रहा है उसमें जुड़ें, ताकि इन सभी 3,000 बच्चों को हम लोग साक्षर बना सकें और इस योग्य बना सकें कि ये दिव्यांग बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। धन्यवाद।